सभी मित्रों को शुभ संध्या। तो दोस्तों, जैसे कि आपको दृश्य देख के पता चल ही गया होगा कि इस वक्त हम पहुंच गए हैं अपने पैतृक गांव में। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दृश्य, जो धान की खेती थी वो उसको हार्वेस्ट कर लिया गया है। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार दोबारा से गेहूँ की फसल की बुआई के लिए यहाँ पे ज़मीन को एक बार दोबारा से कर दिया गया है। तो ये है हमारा गांव और ये है हमारे खेत। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे यहाँ पे एक शेड बनाने के लिए जगह, काफ़ी दूर तक यहाँ पे खेत हैं, वहाँ यहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक। तो ये हमारे, तो इस कह रहे हैं कि बेसिकली ये तो हमारे पुरखों की देन है और हमारे बुज़ुर्गों की, हमने तो नहीं खरीदे और ना ही हमने, सिर्फ इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं देखा जाए तो, कहते हैं इसलिए अपने पितरों को लोग मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि अपनी पीढ़ियों के लिए, जनरेशन्स के लिए काफ़ी कुछ छोड़ देते हैं। और ये है हमारा पीकू, आप देख सकते हैं इस वक्त। पीकू, क्या हाल है पीकू? कम है बेटा। तो आप देख सकते हैं ये पीकू बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा, और सबसे अच्छी बात की बड़ा ही समझदार। चलिए, इस वक्त काफ़ी दिनों के बाद आने के उपरांत ये शायद हमें पहचानने में दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे खेतों में इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे ही दूसरी समुदाय के लोग माल मवेशी चलाते हुए यहाँ पे खेतों में इस वक्त, क्योंकि इस वक्त धान की कटाई है और पीछे जो बच जाता है हस्क, उसको इकट्ठा करते हुए, इसको इकट्ठा करके ये बरसात के दिनों में जानवरों के चारे के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो पीकू इस वक्त खेतों का नज़ारा लेते हुए, शाम शुभ संध्या का समय, और आप देख सकते हैं इस वक्त खेतों में यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके उन खेतों में जहाँ पे बुआई कर रखी होती है। और थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सांप जो है वहाँ पे दिखाई देते हैं। पिछली बार भी हम जब आए थे तो काफ़ी सब, ओह माय गॉड। तो दोस्तों, जिस तरह से हम बात का जिक्र कर रहे थे, तो वही बात हमारे बीच यहाँ पे हम सांप की बात कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े सांप के कपड़े यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कितना लंबा सांप हो सकता है ये आप देख सकते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कई लोग तो हाथों में भी ले लेते हैं, परंतु कितना लंबा सांप होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, सांपों से तो मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि देर इज नो चांस, वन टाइम, एक बार बाइट हो गया तो बस हो गया। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी आंखें। ओह भाई, यहाँ पे तो काफ़ी घास और काफ़ी ख़तरा है, इसलिए हम यहाँ से आ जाएंगे वापस। तो चलिए, ये था हमारा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग जस्ट एंट्रेंस का। कोशिश करेंगे हर एक पहलू को, हर एक गतिविधि को आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ पे, माल मवेशी चर रहे हैं खेतों में और सूर्य जो है वो अस्त होने को है, देख सकते हैं वहाँ तक, खेत ही खेत यहाँ पे, क्योंकि ये मैदानी इलाका है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे नज़ारा आप देख सकते हैं सुंदर।
और ये हमारा पिकू इस वक्त खेतों में कुछ ना कुछ ढूंढता हुआ, अपना शिकार ढूंढता हुआ। मात्र 4 दिन का था जब ये इसको लाया था। तो चलिए आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब मित्रों को शुभ संध्या।